सामने पुलिस थाना अंतर्गत आने वाले बोरगांव ग्राम में मार्ग निर्माण के कार्य कर रहे एक युवक की घटना स्थल पर ही दो टुकड़ों में कटने से मौत हो गई, तो वहीं दूसरा बुरी तरह घायल हुआ। प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतक सचिन नथु कुम्हारे 32 वर्ष निवासी बोरगांव और उसका सहकर्मी युवराज महादेव वानखेड़े 50 वर्ष निवासी बोरगांव बुरी तरह घायल हुआ। ज्ञात हो कि सामने विधायक कमलेश्वर गोनखेरी फोर लेन मार्ग का निर्माण कार्य अंतिम पड़ाव में है, जिसे DBL कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा किया जा रहा है। गुरुवार को रात 9:30 बजे के दौरान दोनों व्यक्ति कंपनी के ट्रक क्रमांक MP39H696 में रखे जनरेटर के उजाले में सर्विस मार्ग पर कुछ काम कर रहे थे। उसी दौरान पीछे से आए तेज रफ्तार कंटेनर क्रमांक MP13GB1707 के चालक ने DBL कंपनी के ट्रक को जोरदार टक्कर मार दी, जिसकी चपेट में दोनों व्यक्ति आ गए। इस दुर्घटना में सचिन का शरीर दो टुकड़ों में बंटने से उसकी जगह पर ही मौत हो गई। वहीं गंभीर रूप से घायल युवराज को इलाज के लिए मेडिकल अस्पताल नागपुर रवाना किया गया। वहीं सचिन के शव को पोस्टमार्टम के लिए ग्रामीण रुग्णालय सावनेर पहुंचाया गया। कंटेनर और खड़े ट्रक की टक्कर इतनी भीषण हुई कि वहां कार्यरत सचिन का शरीर दो हिस्सों में बट गया, तो वहीं युवराज गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना की जानकारी प्राप्त होते ही तमाशबीनों का तांता लग गया। घटना इतनी हृदय विकारक थी कि सचिन के शव को कोई हाथ तक लगाने को तैयार ना था। ऐसे में समाज सेवी हितेश बंसोड़ और उसके साथियों ने आगे बढ़कर इस कार्य को अंजाम दिया। उपरोक्त घटना की जांच थानेदार मारुति मुलुक के मार्गदर्शन में हेंका अनिल तिवारी कर रहे हैं। BCN न्यूज के लिए किशोर ढूंढलेर सावनेर की रिपोर्ट।